हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, आज हम लेंगे सेकंड लेसन, गो एंड कम, जाओ और आओ। क्यों जाना है और क्यों आना है, पता नहीं क्यों जाना है और क्यों आना है। देखेंगे लेसन में हमारी स्टोरी में क्या है और क्यों नाम दिया है गो एंड कम। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. There was a lovely garden around the cottage. Different kinds of plants grew in the garden and so there was a lot of work to do there. हमारी स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा है, एक सुंदर से कॉटेज में झोपड़े में रहता है और उसके घर के कॉटेज के पिछले साइड में बहुत बढ़िया गार्डन है। गार्डन में बहुत अलग अलग काइंड के ट्रीज है, प्लांट्स है, जिसकी वजह से बहुत काम भी वहां पर होता है गार्डन में। अगर आपके घर के आजू बाजू में गार्डन है तो देख लेना, वहां पर बहुत काम होता है। काम क्या क्या है देखो, द प्लांट हैड टू बी वॉटर्ड एवरी डे, दे हैड टू बी गिवन मैन्यूर फॉर टाइम टू टाइम, दे हैड टू बी कट एंड पर्न एट द राइट टाइम, द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। गार्डन में काम क्या क्या है, रोज पानी देना पड़ता है, टाइम टू टाइम खाद डालना पड़ता है और टाइम टू टाइम उसका कटिंग करना पड़ता है और घास निकालना पड़ता है, सूखे पत्ते उठा के उसको क्लीन रखना पड़ता है। एवरी डे इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प्ड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, और हर एक पर्सन उस छोटे बच्चे के घर में के हर एक व्यक्ति गार्डन में सब मिलके काम करते हैं और गार्डन को अच्छा रखते हैं। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु कम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज, द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। One day he saw that the boy was playing around in the house. और इस बॉय के घर पे जितने भी मेंबर है सब अच्छे है, हार्ड वर्कर है, अच्छा गार्डन रखते हैं, लेकिन उसके घर पे एक अंकल आए हैं, कुछ दिनों के लिए रहना चाहते हैं। वो बहुत ही डिसिप्लिन उनको पसंद है और उनको हार्ड वर्क में वो बिलीव करते हैं, बहुत काम करने में वो बिलीव करते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि ये जो हमारे स्टोरी का छोटा बॉय है वो घर में इधर उधर घूम रहा है, काम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, लिटिल बॉय, सेड द अंकल, You would be far better at work. Your garden needs weeding sadly. Go now, weed it like a good child. उन्होंने उस छोटे बच्चे को ऑर्डर दे दिया कि छोटे बच्चे तुम सिर्फ इधर उधर घूम रहे हो और तुम्हारे गार्डन जो है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है भी, किस चीज की, उसमें जो घास है वो बहुत ज्यादा उगी है उसको निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए जाओ गार्डन में और घास निकालो। But the little boy did not feel like wading that day. लेकिन इस छोटे बच्चों को उस दिन गार्डन में जाके वेडिंग करना यानी घास निकालने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसने क्या कहा, I can't do it, he said. उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, ये उसकी इच्छा नहीं थी, उसने कह दिया मैं नहीं कर सकता। लेकिन अंकल बहुत स्ट्रिक्ट है, वो क्या बोलते है? देखो, oh, yes, you can, said the uncle. आप कर सकते हो, पहले गार्डन में जाओ और करो, नहीं कर सकते हो घर में बैठ के नहीं बोलना है। वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय। अभी बच्चा भी बहुत बदमाश है, वो क्या बोलता है, मैं नहीं कर सकता पहले बोला, फिर अंकल ने कहा कि तुम कर सकते हो जाओ, फिर इसने क्या, नहीं मुझे करना नहीं है, मुझे करना नहीं है, अभी तो करना नहीं है। बट यू मस्ट, सेड हिज अंकल, डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो। अंकल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, जाओ तो अभी नॉटी मत बनो, बिल्कुल नॉटी मैं बनना नहीं है, पहले जाओ काम पे लोगो और काम करो। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन, ही वेंट अवे टू कैरी ऑन हिज ओन वर्क इन द अनदर रूम, बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल। अंकल भी बहुत काम करते थे, हार्ड वर्किंग थे, उन्होंने खुद का काम उठाया और दूसरे रूम में निकल गए, बच्चे को ऑर्डर दिया और दूसरे रूम में निकल गए। लेकिन ये बच्चा जो है अभी रूठ के उसी जगह पे बैठा है, अभी भी काम पे नहीं लगा है। He felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble. He had a lump in his throat and his eyes welled up. अभी उसे एक लग रहा था कि मेरे जो अंकल है बहुत ही स्ट्रिक्ट है और मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मुझे काम बता रहे और निकल गए दूसरे रूम में। बच्चा भी रोने को आया है, उसकी चीन जो है वेंडेड अप हो गया और उसके गले में ऐसा जिसे हम हुंदका बोलते हैं ना, उस तरह से पूरा अभी आंखों तक पानी पहुंच चुका है, सिर्फ आंखों में से निकलना बाकी है और गले में से आवाज निकलना बाकी है रोने की। इतने में क्या हुआ, जस्ट देन हिज मदर वॉकड इन, इतने में उसकी मम्मी अंदर आई।
What's the matter, little boy? She asked. Why do you look so unhappy? और मम्मी ने पूछा बच्चे से कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो बेटा? Uncle told me wait the garden, said the little boy. बच्चे को दुख किस का बात का है? काम करने का. उसने मम्मी से बोल दिया कि अंकल ने कहा है कि मुझे जाके गार्डन में काम करो, वेडिंग करो, घास निकालो. Oh, said the mother. What fun that will be. I love to wed and it is such a fine day. Can I come and help you to wed? देखो मम्मी ने उसकी जो पोजीशन है वो अभी बहुत रोने को आए वाला है, उसे काम नहीं करना है. उसका दृष्टिकोण, उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव था, उसे पॉजिटिव कैसे किया? मम्मी ने क्या कहा देखो आगे के, अरे ऐसी बात है क्या, कितनी मजा ना, आज का वेदर भी कितना सुंदर है ना काम करने के लिए, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं गार्डन में काम करने के लिए? Why yes, said the boy. अभी बच्चा राजी हो गया, मम्मी को कहा हाँ क्यों नहीं मम्मी, आप मेरी हेल्प करो मैं करता हूँ. Come, let's do it now, said his mother. तो मम्मी ने कहा कि चलो हम करते हैं. The boy got up readily and went outside with his mother. The two of them went in the garden beautifully and had a very good time together, working and chatting and laughing. और फिर बच्चा उठा, खुशी खुशी उठा, जो अभी दुख से भरा था वो बच्चा मम्मी के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से खुश हो गया. दोनों मिलके गार्डन में गए, उन्होंने पूरा गार्डन क्लीन कर लिया और उनका टाइम भी बहुत अच्छे से स्पेंड हो गया, हंसते हुए, बातें करते हुए और काम करते हुए उनका पूरा टाइम जो है वो पास हो गया और गार्डन भी साफ हो गया. इस तरह की स्टोरी है, अडॉप्टेड फ्रॉम गो एंड कम बाय लुइस रिचर्ड. लुइस रिचर्ड नाम का कोई राइटर है, उनकी बड़ी सी बुक है जिसका नाम था गो एंड कम, उसमें से ये छोटी सी स्टोरी लिए वाली है. तो जो गो एंड कम वाला सेक्शन है वो अगर हम वो बुक पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा. इंटरनेट पे आपको वो बुक मिल जाएगी, गो एंड कम. अगर आपके पास टाइम है, इंटरनेट है, हेल्प ले सकते हो गूगल की, तो वो स्टोरी आप जरूर पढ़ना है. छोटे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल स्टोरीज है. हमारे तो बुक में इतना ही है. थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.